जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में सड़क का एक हिस्सा धंस जाने से खारी और माहू मंगत इलाकों के हजारों लोगों का जिले के बाकी हिस्सों से संपर्क कट गया है। खारी और महुमंगत इलाकों के 30,000 से ज्यादा लोगों का संपर्क कट चुका है। 23 राष्ट्रीय राइफल्स कैंप के पास नचुलाना खारी लिंक रोड के धंस जाने से लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो सड़क का रखरखाव भारत सरकार के उपक्रम एयरकॉन इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है, जो खारी में कई रेलवे सुरंगों और एक रेलवे स्टेशन का निर्माण कर रहा है। बहरहाल रोड को ठीक होने में 1 या 2 दिन लग सकते हैं। देखिए तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन से, तो देखिए किस तरह से सड़क धंस गई है और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है तो किस तरह की भारी दिक्कतों का सामना यहां के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। रामबन के खरी इलाके में सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस चुका है। हम इस समय मौजूद हैं उसी जगह पर जिस जगह पर ये देखिए सड़क का बड़ा हिस्सा जो है वो धंस चुका है और लोग जो हैं वो जिंदगी मौत के बीच जो है इस रास्ते में सफ़र करने को मजबूर है। आपको बता दें आगे जो है 30,000 से ज़्यादा की आबादी है, लेकिन लोगों को बेहद ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सड़क का एक बड़ा हिस्सा जो है वो धंस चुका है। देखिए सामने आपको एम्बुलेंस दिखेगी क्योंकि यहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाया गया है। एक गांव में मरीज है और उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया है, लेकिन आप देखिए कि मरीज़ को यहाँ तक कैसे लेकर आएगा क्योंकि पैदल लेकर आते हैं गांव वाले मरीज़ को, जो पेशेंट को उस एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाएगा क्योंकि आगे कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती है। लोग जो हैं पैदल यहां से निकलने को मजबूर हैं, लेकिन ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं क्योंकि मजबूर होकर गांव वाले जो हैं जिनकी संख्या हज़ारों में है इस रोड से होते हुए इस रास्ते से होते हुए अपने घरों को जाने को मजबूर हो रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, News 24 रामबन खरी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।